हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हैव मोर विद उषा। तो आज की रेसिपी है ग्रीन पीस एंड कैबेज करी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आप मेरी हर न्यू वीडियोस को देख सकें। तो चलते हैं रेसिपी के तरफ। ये रेसिपी बहुत ही आसानी से बनती है, आप इसे रोटी के साथ खाएँ तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो हमारे इंग्रेडिएंट्स है कैबेज, मीडियम साइज कैबेज लिया है मैंने, थोड़े से हरे मटर और ये एक मसाला पेस्ट है। तो मैंने एक कढ़ाई चढ़ाकर उसमें तेल डाल दिया है। अब जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें हम सूखी लाल मिर्च, जीरा और थोड़ी सी एसाफेटिडा यानी कि हींग हम थोड़ा सा डालकर इसे अच्छे से भूनेंगे। लाल मिर्च डाला, अब जाएगा जीरा इसमें और हींग। है टमाटर, प्याज, दो हरी मिर्च, लहसुन, अदरक का एक पेस्ट मैंने बनाया था, वो मैंने डाल दिया। अब आँच को आप धीमी कर लो और इसे थोड़ा अच्छे से भून लो। जब ये मसाला थोड़े अच्छे से भून जाए तो इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी और नमक। ये रेसिपी मैंने डिनर में बनाया था और ये इसके साथ मैंने रोटी बनाई थी, तो ये उसी के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। आप बिल्कुल ट्राई करें इसे। तो ये है जो हमारा मसाला है, ये अच्छे से भुन गया है। तो अब डालेंगे इसमें ड्राई पाउडर्स लाइक थोड़ी सी हल्दी एंड लाल मिर्च। हम इसमें और दूसरी कोई भी मसाले यूज़ नहीं करेंगे, यही हमारी सिंपली रेसिपी है। आप इसे इजीली बना सकते हैं। ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लिया है और हल्दी, तो इसे मैंने मिला लिया। थोड़ी सी नमक डालकर कैबेज कटी हुई और मटर हम डाल के मिला लेंगे। ये रहा नमक, तो अब हम कैबेज और हरी मटर को इसमें डाल देंगे। ये छोटी वाली कैबेज थी तो मैंने उसे पूरा यूज़ कर लिया। अब बड़ी ले रहे हो तो उस पर आधा बनाएं, अपने परिवार के हिसाब से बनाएं। ये हरी मटर बस इसे मिलाएं और इसे ढक करके आप 10 मिनट तक पकाएं, ढक करके पकाएं और आँच बिल्कुल धीमी रखें ताकि ये जल ना जाए। इसे मिला लिया मैंने, अब हम इसे ढक करके पकाएंगे। अब थोड़ी देर में हम देखते हैं कि इसमें जो कैबेज है वो पानी रिलीज करती है, तो हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक पानी पूरी सूख ना जाए और ये और अच्छी लगेगी, कलर इसमें आ जाएगी अलग से।
हम फिर से ढक कर के इसे और 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। चलिए अब चेक करते हैं। अब हमारा जो कैबेज करी है वो ऑलमोस्ट डन है, ये हो गया है। आप इसे रोटी के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं और ये बहुत डिलीशियस स्वादिष्ट है और अच्छा भी है। सर्दियों का सीज़न चल रहा है तो मटर अच्छी लगती है सब्ज़ियों में, तो आप इसे इस तरह से बनाएं और एंजॉय करें। तो लीजिए, तैयार है हमारी ग्रीन पीस और कैबेज की करी। आप प्लीज़ इसे ट्राई करें, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ये रोटी के साथ अच्छी लगती है। आप बिल्कुल ट्राई करें, डिनर में बनाएं, ब्रेकफास्ट में बनाएं, लंच पे बनाएं, किसी में भी बनाएं, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और फिर मिलते हैं हमारी अगली रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।